मां को फोन करके बता देता हूँ कि आज रात को माधवी बेटी के घर खाना खाने जाना है। कमल, फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे वाह, क्या अरे वाह? रिंग बंद हो गई। तो फोन तो निकालना पड़ेगा ना भाई, फोन निकाल तो। अरे हाँ। बबूचक फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे वाह, अरे भाई तू अरे वाह करना बंद कर, फोन निकाल मेरा जल्दी भाई। जी जी सेठ जी, दूसरे नंबर पे करता हूँ। ये देख, अभी बेचारा लैंडलाइन पे फोन कर रहा है, उसको वाकई में अर्जेंट काम होगा मेरा, जल्दी फोन निकाल तो। सेठ जी, मैं आपका मोबाइल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तब तक आप लैंडलाइन फोन तो उठाइए। जी क्या का ही होगा। हाँ हेलो, हाँ राम जी, बोल बोल बोल। हाँ 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 ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, चल रखता हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ भाई, निकला क्या नहीं? सॉरी सेठ जी, फोन नहीं निकल रहा है। अरे क्या सॉरी, कुछ भी करके फोन तो निकालना पड़ेगा ना। कहाँ से फोन निकलना है सेठ जी? ये फ्रिज के नीचे से। ये बाघा ने मेरा फोन लात मार के फ्रिज के नीचे डाल दिया। बाघा बॉय, व्हाट हैपेंड सडनली? नटू काका, मैंने फोन अंदर नहीं डाला है। वो क्या हुआ नटू काका, सेठ जी का फोन आया, उन्होंने जेब से फोन निकाला, तभी मैं गोडाउन में आया। सेठ जी के हाथ से फोन गिर गया और गलती से मेरी लात लगी और फोन फ्रिज के नीचे चला गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ सेठ जी, इसमें भागा की कोई गलती नहीं है। आ तो केवू थयू के कागनू बेसू ने डालडू पड़वू। फोन का आपके हाथ से गिरना और भागा की लात लगना, इट्स अ प्योर केस ऑफ कोइंसिडेंस। हाँ हाँ सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ भाई, मेरी गलती है, लेकिन फोन तो निकाल अभी। नहीं नहीं सेठ जी, इसमें देखने जाए तो गलती आपकी भी नहीं है। आपने थोड़ी जानबूझ के फोन नीचे गिराया था, वो तो अनायास से गिर गया। इसमें देखने जाए तो गलती फोन की है, वो आपके हाथ से गिरा ही क्यों? हाँ फोन की गलती है ना, उसको बाहर निकाल, मारते हैं उसको। लेकिन सेठ जी, फोन तो निर्जीव वस्तु है, उसको मार के क्या फायदा मिलेगा? अगर उसको पनिश करना ही है तो उसको चार्ज ही मत करो। चार्ज मी ऐसा तड़पेगा ना, तब भी उसे चार्ज मत करना। दो दिन तक ऐसे ही पड़ा रहेगा ना, तब उसके अकल ठिकाना आएगी। भाई तो खड़ा खड़ा देख तो फोन निकालना भाई। लेकिन कैसे? अरे कैसे क्या, ये फ्रिज उठा आड़ा कर, कुछ भी कर, फोन निकाल भाई। जो काम बुद्धि से हो सकता है उसके लिए बल क्यों इस्तेमाल करने का? एक मिनट, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ये ले भागा, इस फुटपट्टी से मोबाइल निकाल। वाह नटू काका वाह। चल चल निकाल निकाल जल्दी। ए ए
भाई है तो खटाखटी क्या कर रहा है भाई, मेरे फोन को नुकसान होगा। मिनी सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा, अभी निकल जाएगा। धीरे धीरे। जी जी। याद आएगा तो वापस तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन हाँ सेठ जी, एक रिक्वेस्ट है। क्या? जब मैं वापस आऊँ और तभी किसी का फोन आए तो फोन निकालते वक्त थोड़ा संभालना। भले, और कुछ? नहीं, ठीक है, जाओ। चलिए नटू काका, एक मिनट बागा। सेठ जी, आपने मुझे तो पूछा ही नहीं कि मैं क्यों आया गोडाउन में। क्यों आए थे आप गोडाउन में? कुछ नहीं, ऐसे ही। कम बागा। एक मिनट नटू काका। अच्छा सेठ जी, अभी क्या है भाई? वो आपके मोबाइल पे कब से किसी का फोन आ रहा था तो देखे तो सही किसका फोन था। मैं देख लूंगा, तू क्यों चिंता कर रहा है भाई? तेरी बावरी का फोन तो मेरे फोन में आएगा नहीं। आ भी सकता है। कैसे? वो क्या है सेठ जी, मेरा मोबाइल दुकान में है, हो सकता है उन्होंने मुझे फोन किया हो और मैंने फोन ना उठाया हो तो उन्होंने आपको फोन किया हो। बापू जी का फोन है। बापू जी के इतने सारे मिस कॉल। हेलो। हाँ बापू जी, फोन किया था आपने? अरे किया था नहीं भाई, फोन किए थे। कितने फोन किए तुझे? तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? नहीं ना, सॉरी बापू जी, वो क्या हुआ, मैं आपका फोन उठाने गया, इतने में फोन मेरे हाथ से नीचे गिर गया और उसी वक्त भागे आया गोडाउन में, तो उसका पैर फोन को लगा और फोन फ्रिज के नीचे चला गया। तो मुझे वो फोन की घंटी सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी उठाऊं कैसे फोन? फोन फ्रिज के नीचे था। अभी जैसे तैसे करके फोन बाहर निकाला और देखा तो आपका मिस कॉल, इसलिए मैंने फोन किया। बोले बोले बापू जी, क्या काम है? अरे मैंने ये कहने के लिए फोन किया था कि पद्मावती भोजनालय में फोन करके आज रात के टिफिन के लिए मना कर दे। क्यों? अरे वो क्या है कि रोशन बेटी कहीं बाहर गई है तो सोड़ी आज रात को भिंडी मास्टर के घर खाना खाने वाला है, तो माधवी बेटी ने तुझे और मुझे भी आमंत्रण दिया है खाने का। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है बापू जी, मैं पद्मावती भोजनालय में फोन करके ना बोल दूंगा। हाँ ठीक। और कुछ? हाँ पद्मावती भोजनालय में फोन करना भूलना मत भाई। नहीं नहीं, अब भी फोन कर दूंगा बापू जी। ठीक। और कुछ? और हाँ सुन, रात को देर मत करना, 8:30 बजे तक पहुँच जाना। नहीं नहीं, पहुँच जाऊंगा बापू जी। भाई सिर्फ पहुँचना नहीं है, टाइम पे पहुँचना है। हाँ टाइम पे पहुँच जाऊंगा बापू जी। टाइम पे मतलब कितने बजे? आपने बोला ना 8:30 बजे तक पहुँच जाऊंगा। 8:30 बजे से पहले? हाँ हाँ पहले पहले पहुँच जाऊंगा बापू जी, पहले पहुँच जाऊंगा। चल रखता हूँ। ओके। ये भीड़े ने सोडी को खाने पे बुलाया है, पर सोडी खाने पे आएगा? हाँ बोलो जेठा लाल। हाँ भीड़े, क्या कर रहा है? अरे मटर छील रहा हूँ भाई। ओ हो हो, गोकुलधाम सोसाइटी का एक नंबर सेक्रेटरी मटर छील रहा है? क्या करे भाई, आज रात को मेरे कुछ शरारती दोस्त खाना खाने घर पे आ रहे हैं ना, इसलिए करना पड़ता है। अरे हाँ भाई, तूने गड्ढा परिवार को आज अपने घर पे खाने पे बुलाया है तो मजाक तो नहीं है ना भाई, पक्का खिलाने वाला है ना? नहीं नहीं, मैं कच्चा खाना खिलाने वाला हूँ। अतिशय घानेरड़ा जोक मारला तुम्हें। सॉरी सॉरी, लेकिन जेठालाल मैं और चाचा जी को घर पे भोजन के लिए आना ही है, आप दोनों सादर निमंत्रित हो। हाँ हाँ भाई, आएंगे, जरूर आएंगे भाई, तूने और मापी पापी ने इतने प्यार से आमंत्रण दिया है तो आना ही पड़ेगा ना। आना ही पड़ेगा। अरे सॉरी सॉरी, पड़ेगा नहीं, सॉरी, आना ही चाहिए ना। हाँ चलो रखता हूँ। अच्छा सुन सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तूने सोढ़ी को खाने पे बुलाया है तो सोढ़ी पक्का आएगा? हाँ पक्का आएगा, उसने खुद माधवी को बोला कि रात को खाना खाने घर पे आ रहा है। अरे भाई वो सोढ़ी है, तुझे पता है ना, वो पार्टी शार्टी करने का एक भी मौका जाने नहीं देता है, पर रात तो फुल टू मौका है, घर पे रोशन भाभी भी नहीं है, गोगी भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आज वो पार्टी शार्टी किए बिना रहेगा। फुल टू होने का ये तो फुल टू मौका है, तो मैंने सोचा ही नहीं।
और यहाँ पे माधवी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हाँ तो पूछ भाई, फोन करके पूछ, आएगा ना पक्का? कहीं ऐसा ना कि हम खाने पे उसकी राह देखते बैठे और वो कहीं आए नमस्ते से पार्टी सार्टी कर रहा हो। नहीं नहीं नहीं, अच्छा तुमने याद दिलाया, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ चल। हाँ ठीक है। हाँ लेकिन जेठालाल, हाँ तुम बस टाइम पे आ जाना, लेट मत करना। नहीं नहीं, खाने के मामले में मैं कभी लेट नहीं करता। तू छोटी को फोन कर। हाँ तुम उसकी चिंता मत करो, उसने माधवी को बोला है ना तो वो आ जाएगा, लेकिन तुम लेट मत करना, ठीक 8:30 बजे पहुँच जाना। आ जाऊंगा आ जाऊंगा। चलो चलो रखता हूँ। वैसे जेठाल की बात तो सही है, एक बार सोड़ी से बात करके कंफर्म कर ही लेना चाहिए। अबे दीपा जी, सेल्फ मार। पाजी सेल्फ नहीं लग रहा, गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही है, बोनट खोल के। अरे यार इसका फॉल्ट ही समझ नहीं आ रहा है यार, आज कपूर साहब को गड्डी देनी बहुत जरूरी है, A to Z सब चेक कर लिया। अपी थले मैं गड्डी चेक करता हूँ, हाँ और जब बोलो तब सेल्फ मारियो। और मान ट्रॉली ले यार, गड्डी ठीक करा दे, मार तक भाई। चल रमान, कितने हैं कितने हैं फॉल्ट, कितने हैं और अब जी मेर करो। पापी ओ साल मारो। ओ पाजी गड्डी स्टार्ट हो गई। पापा जी बंद हो गई बोनट खोल के। एक मिनट। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। अब फिर से चालू करो। अब मिल गया, ये मिल गया, फॉल्ट मिल गया। और अब जी मेर कर देती। वायर पैनल में प्रॉब्लम था। खींच के भी खींच। और मान खींच ट्रॉली। वाइगरू ने मेर कर देती। वाह जी वाह, मजा आ गया। वाह भाई वाह। ओहो ओहो। अरे चीटी जैसी प्रॉब्लम थी, अब आती जैसी प्रॉब्लम समझ के बैठे हुए हैं। हैप्पी फटाफट वायरिंग पहले ना काम टिच कर दे। और कपूर ओपड़ो, क्या सही टाइम पे तूने फोन किया। इधर कपूर साहब की गड्डी ठीक हो गई, इधर तेरा फोन आ गया यार, मजा आ गया। बोल बोल बोल। हाँ तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आज रात को मेरे घर पे खाना खाने आना है, और तुम अकेले नहीं आ रहे हो, जेठालाल और चंपक चाचा भी आ रहे हैं। तो क्या बात है पिड़ू, फिर तो मजे ही मजे हैं। हाँ मजे ही मजे तब होंगे जब तुम 8:30 बजे खाना खाने आओगे। तो ऐसे क्यों बोल रहा है पिड़ू? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ सोड़ी, क्योंकि माधवी ने खाना बनाने की सारी तैयारी कर ली है, मैं भी काफी सारी मटर छिल चुका हूँ, इसलिए तुम गलती से भी किसी के भी साथ कोई भी पार्टी शार्टी का प्लान नहीं बनाना और टाइम पे मेरे घर पे आ जाना। ओ पिड़ो तो फिकर ना कर यार, आज मेरा कोई पार्टी शार्टी का प्लान नहीं है। पक्का ना सोड़ी? नहीं क्या है, रोशन भाभी घर पे नहीं है, गोगी भी घर पे नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ भाई। ओ यार पक्का मतलब एकदम पक्का। हाँ ठीक है। तो सोड़ी मैं एक बात बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर तुम मेरे घर पे खाना खाने नहीं आए और किसी के साथ पार्टी शार्टी करने चले गए ना, तो याद रखना अपनी दोस्ती खत्म। पिड़ू वो कैसे बातें कर रही यार तू? ओ मैंने तेरे को बोला मैं आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा। अरे गैराज पे जैसे ही सारा काम खत्म होगा, टिच 8:30 बजे तेरे घर पे आके खाना खाऊंगा, और साथ में तो चेटा प्राट चाचा जी भी होंगे, और खूब धमाल मस्ती होगी। चौक दे फटे। ओहो रोशन डालिंग का फोन। ओ पिड़ू रोशन डालिंग का फोन आ रहा है, मैं टिच 8:30 बजे तेरे घर पहुंच जाऊंगा। ओके 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 ओके। अरे रोशन डार्लिंग मिस यू यार, तू ठीक ठाक दोबारा पहुंच गई ना? हेलो रोशन, अरे आवाज बहुत आ रही है, मैं अंदर केबिन में जाके उससे बात करता हूँ, है ना? ओ शाबाश यार। ओए पापा जी, ओए पापा जी, ओए पापा जी। अब बोल सुनिए, ओए तेरी मिट्टू मिट्टू आवाज में अब बता दे तू ठीक ठाक पहुंच गई ना दोबारा? हाँ रोशन कब से पहुंच गई, तैयार पन हो गई। रोशन सब तुझे बहुत याद कर रहे। सुनिए तो मेरी याद भी सबको देना। तुझे एक बात बोलूं, यार मैं तेरे को बहुत मिस कर रहा हूं, सच्ची। अच्छा जी, तू ऐसे मानेगी नहीं, तेरे को मालूम है कपूर साहब की गड्डी रेडी भी होगी और मैं अभी के अभी तेरे पास आ रहा हूँ दोबारा। रोशन वो दोबारा कोई बगल में थोड़ी ना है कि तू अभी के अभी आ जाए,
अरे उडवारा गुजरात में और तू मुंबई में। तो क्या हुआ, तेरे रोशन की गड्डी है रॉकेट की तरह उड़ के आएगी और पहुंच जाएगी तेरे पास उडवारा। नहीं रे नहीं रोशन, तब तक तो शादी खत्म पन हो जाएगी। ओहो, तो मैं क्या करूं? तू अभी अपने काम पे ध्यान दे। और हाँ, मैं उधर आई और मुझे पता चला कि तूने पार्टी शार्टी की ना, तो जॉर्जे हाँ खबरदार। तूने की गल कर रही है यार, और मैं कोई पार्टी शार्टी नहीं करने वाला। और तेरे को पता है और पिलू का फोन आया था, मुझे कह रहा था टिच 8:30 बजे पहुंच जाना, और मैंने भी कह दिया और मैं भी टिच 8:30 बजे पहुंच जाऊंगा। पता है पिलू ने जेठा भराव चाचा जी को भी बुलाया, कल तू वहाँ पे मस्त मजे करना, हम यहाँ पे मस्त मजे करेंगे, ठीक है? रोशन मैं कल सुबह दिलनाज के साथ फिर वापस आ जाऊंगी। और ठीक है सुनिए, अपना ध्यान रखियो, चल तू अपना मस्त फंक्शन अटेंड कर, मैं इधर काम निपटा लेता हूँ। लव यू। ओए आज तो सोडी के साथ ना जम के पार्टी शार्टी करेंगे। ओ हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। और हाँ, अगर उसने मना कर दिया ना उठा कर गाड़ी में ले जाएंगे। ओए मना क्यों करेगा, अपना सोडी तो पार्टी शार्टी करेगा। चल आजा। ओए छोटे। हाँ जी। सोडी कितने? वो आपकी तारीफ? ओ हम अपनी तारीफ खुद नहीं करते। सोडी देखेगा ना हमारी तारीफ खुद करेगा वो। तू सिर्फ इतना बता सोडी कितने है? सोडी बाजी तो अंदर है, बोनट खोल के। बोनट खोल दे। बोनट खोल के बोलना, मेरी आदत है जी। हैप्पी कुत्ती। ओए सोडी तेरी ऐसी की तैसी। ओए तुहाडे दोनों दी ऐसी की तैसी। यारो ओ ठंड रखो, ओ घर की बात है, मेरे बड़े जिगरी दोस्त आए हैं, तुसे कम करो। सोडी बल्लू जीते, ओ अपनी यारी किते, होए थे होए थे होए थे थे थे। ओए मेरे जिगर के टुकड़ो, ओ तुमको मिल के तेरा दिल खुश हो गया। वो सोडी पाजी, इन दोनों पाजी ने जिस तरह से एंट्री मारी ना, मुझे लगा कि कोई वसूली करने के लिए आ गया बोनट खोल के। और हैप्पी, हम तीनों को एक दूसरे से दोस्ती की वसूली की आदत है। और पता तेरे को, ओ कॉलेज में हम तीनों की तिकड़ी बहुत फेमस थी। तो अच्छा पाजी। ओ सोडी तेनू याद है कॉलेज का गाना? ओ केड़ा वाला? ओ वही वाला। मेरे चिकन के टुकड़े आए हैं तो मलाई मार के सबके लिए लस्सी ले गया। ठीक है भाजी। ओ यार दिल खुश हो गया, अंदर केबिन में बैठ गए, गप्पे शप्पे लगाते हैं पुरानी याद। आ जाओ यारो, आई अपना ऑफिस। ओ भाई जी, ओ सोडी केबिन तो बहुत मस्त बना है। अल्लाह दीदी मेरा यार, बैठ बैठ बैठ, आजा 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 बैठ। जीते यार जीते, कमाल ही कर देता, तेरे को देख के तो मैं एकदम शॉक हो गया। कब आया तू? वो कल ही आया हूँ। और कल ही वापस जा रहा है। वो कल आया और कल ही जा रहा है, वो ये क्या बात हुई? एक दिन के लिए आया तू कनाडा से? और यहाँ एक प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने आया था, बस हो गए, कल शाम निकल जाऊंगा। यार आया की कल हुई, तू तो ऐसे आया जैसे घोड़े पे सवार हो गया है। ओ पाजी मैं भी इसे यही समझा रहा हूँ पर मान नहीं रहा। वो क्या करे पाजी, अब पहले जैसा तो रहा नहीं। ओ जिंदगी की जिम्मेदारी ने हालत घोड़े जैसी करी हुई है। वो सुबह हुई नहीं कि तपड़क तपड़क करके रेस शुरू हो जाती है। हाँ जीते ऐ गलते है। ओ पाजी जब हम छोटे थे ना तो जल्दी जल्दी बड़े होना चाहते थे, और अब बड़े हो गए तो लगता है कि हम छोटे बच्चे ही अच्छे थे। ओ यारो हम इतने वक्त के बाद मिले हैं तो ये फिलॉसफी वाली बातें नहीं करेंगे। ओ यारो जैसी भी रब जी की कृपा से लाइफ है, बहुत बढ़िया लाइफ है, मस्त है, जबरदस्त है। ओ हाँ पाजी जो है मस्त है। और दस कनाडा में घर परिवार बढ़िया है, अभी पड़ जाएगी मैं। ओ हाँ ठीक है। और तुसी बताओ पाजी, रोशन बाबी और गोगी कैसा है? ओ बल राम जी मेरा यार पूरा परिवार बहुत खुशहाल है, चक्कते फटे।
तो मित्रों भूमिका बन गई है धमाकेदार परिस्थिति की गोकुलधाम में, क्योंकि भिड़े के घर तैयारियां हो रही है भोजन की चंपक चाचा जेठालाल और सोढ़ी के लिए, और दूसरी ओर सोढ़ी के मित्र आ पहुंचे हैं गैराज पे, जो उससे पार्टी शार्टी करने की जिद करने वाले हैं। अब क्या करेगा सोढ़ी? फंसने वाला है। अरे फंसने वाला क्या, फंसी गया समझो, क्योंकि अगर ये करेगा तो वो नाराज हो जाएगा, वो करेगा तो ये नाराज हो जाएगा, तो अब क्या करेगा सोढ़ी? अजीब सरद्वंद है जीवन में, कई बार ऐसा होता है मन कुछ और कहता है परिस्थिति कुछ और कहती है, और इस मुश्किल से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसे मुश्किल के सागर से निकलने के लिए एक ही रास्ता है, दोस्ती की नाव, और अब सोढ़ी भी उसी नाव में सवार होने वाला है, वो मेरे परम मित्र जेठालाल के पास जाने वाला है इस मुसीबत से निकलने का कोई हल ढूंढने के लिए, यानी कि जिनका फायर ब्रिगेड मैं हूँ वो फायर ब्रिगेड बनेंगे सोढ़ी के। तो अब सोढ़ी इस मुसीबत से बाहर निकलता है नहीं, या क्या हल मिलता है उसे, ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.